विकास ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बस ऐसे ही है, चल रहा है। नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है। जो भी पर्यटक आते हैं उनको कोई सुविधा नहीं है। वोट तो आप ही देके लाए होंगे ना, आप सबका वोट। वोट तो आप भी दिए, हम भी दिए, सबने दिया है, ऐसे कैसे जीत जाएगा आदमी नहीं वोट दिए हुए। ये जानकी मंदिर से सटा यहाँ एक ऑटो स्टैंड है, आइए जानते हैं यहाँ क्या लोगों की राय है। कौन है यहाँ का सांसद? यहाँ के सांसद सीतामढ़ी के सोनू बाबू, यहाँ पिंटू कुमार है। पिंटू जी, क्या 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 विकास का काम किए हैं जी? विकास के तभी हम लोग का नजर में नहीं है कोनो काम किए हुए, नहीं सब तो देखे रहे हैं विकास के नजर में सर, अपने आप से नहीं, कोनो विकास नहीं है अभी हुआ। 2024 में किसको वोट करेंगे? 2024 में किसका वोट करेंगे? 2024 में तो हम लोग लालटेन छाप है, हम लोग उन्हीं का देंगे, महागठबंधन को। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का वोट करेंगे। आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुस्लिम हुआ ने सर। यहाँ कई लोग हैं जो महागठबंधन को ही वोट करेंगे, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं बोलेगा? बहुत लोग नहीं बोलना चाहते हैं। एक महिला भी बैठी हुई है ऑटो में। 2024 में किसको वोट करेंगे? किसको बताएं, अभी टाइम आएगा तब। क्या टाइम आएगा तब? तो समय आएगा तब। अभी कौन है सांसद सीतामढ़ी के? पता नहीं, हम बाहर आते हैं। हम सब बाहर के। 2024 के लोकसभा चुनावों में अभी एक वर्ष बाकी है, हालांकि इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां देश में तेज हो गई हैं। और इस वक्त मैं खड़ा हूं सीतामढ़ी लोकसभा सीट के, सीतामढ़ी की पहचान जानकी मंदिर परिसर में, और इस वक्त मेरे साथ सैकड़ों लोग इस मंदिर परिसर में है। आइए जानते हैं कि क्या रहेगा इस बार का मूड, जनता का मूड। क्या नाम है आपका? अमित प्रकाश। क्या करते हैं? सोशल वर्कर हैं, बिजनेसमैन हैं। कौन है यहाँ के सांसद? कौन है यहाँ के सांसद? सुनील कुमार पिंटू हैं। तो क्या उनके कार्यकाल से कैसा रहा, उनका 4 वर्ष का जो कार्यकाल रहा कैसा? देखिए, उनका कार्यकाल ठीक ठीक है। क्या क्या विकास हुआ है उनके कार्यकाल? विकास ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, लेकिन बस ऐसे ही है, चल रहा है। फिर भी आपने कहा ठीक ठीक। हाँ ठीक ठीक है, ऐसा कुछ विकास। अब जैसे जानकी जी का यह जगह है और इस पावन भूमि को जो जगह जो स्थान मिलना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाया, इसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधि दोषी है। और यह शिकायत सीतामढ़ी की रहेगी, सीतामढ़ी की आम आवाम की यह शिकायत हमेशा बनी हुई है कि सीतामढ़ी को जो सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान आज तक सीतामढ़ी को नहीं मिला। 2024 में किसको करेंगे वोट, क्या मुद्दा होगा? देखिए, अभी तो सीतामढ़ी में जानकी जन्मोत्सव होने वाला है अभी 29 अप्रैल को, और वोट की बात जहां तक आप कहें तो जिस तरीके से रामनवमी मनाया जाता है और रामनवमी की छुट्टी राष्ट्रीय छुट्टी दी जाती है, उसी तरीके से आज तक के इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि जानकी नवमी के अवसर पर भी राष्ट्रीय छुट्टी का घोषणा करना चाहिए सरकार को, ताकि जानकी नवमी को पूरी देश दुनिया में, पूरे देश में लोग मनाएं। बात सीतामढ़ी की आती है तो लोग यहाँ जो पर्यटन मानचित्र पर अभी तक वो दर्जा नहीं मिला, वो दुख सामने आ जाता है लोगों का। एक और व्यक्ति, क्या नाम हुआ आपका? शशिभूषण साहेब। क्या करते हैं? क्या में रहते हैं? कौन है यहाँ के सांसद? यहाँ के सांसद है जो है पिंटू जी। क्या क्या अभी तक क्या किए हैं सीतामढ़ी के विकास के लिए? बढ़िया तो नहीं है किए हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं बढ़िया से क्षेत्र पर। 2024 में किसको चुनेंगे सांसद, कौन होगा, किस दल को देंगे वोट? मोदी को वोट देंगे, दूसरा किसको वोट देंगे? सांसद को तो लोग थोड़े वोट दे रहा है, नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है। सांसद को वोट नहीं दे रहा, नरेंद्र मोदी को वोट दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? श्याम शर्मा। क्या करते हैं? फर्नीचर का काम करते हैं। कहाँ कौन है सांसद सीतामढ़ी के? सुनील कुमार पिंटू जी। विकास का क्या क्या कार्य किए उन्होंने? कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी फ्लाईओवर का काम वर्षों से ठप है, वो नहीं पूरा हुआ। ट्रैफिक का इतना सीएम रहता है कि वो क्लियर नहीं होता है, घंटों घंटों आदमी ट्रैफिक में फंसा हुआ रहता है, कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ। और उसके बाद जो सीतामढ़ी पर्यटक स्थल, जो भी पर्यटक आते हैं उनको कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं यहाँ पे। 2024 में किसको करेंगे वोट? सर 2024 में तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, अब सांसद जो आए, मगर पिंटू जी को वोट नहीं करेंगे। पिंटू जी से भी नाराजगी, लोग एक महिला है मेरे सामने, बोलेंगे कौन बनेगा सांसद, किसको वोट करेंगे? हम सुना
देखा है यहाँ फूल वाला फूल बेचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? धीरज कुमार। कौन है सीतामढ़ी के सांसद? अभी तक तो पिंटू प्रसाद है सांसद, पर वर्तमान में हमको लगता है कि नया चेहरा को उत्पत्ति किया जाएगा। नया चेहरा चुनेंगे, क्या कारण है? विकास का कार्य नहीं किए? बहुत सारा कारण है, न ओवरब्रिज सही हो रहा है, न सीता मैया का सम्मान हो रहा है। सीता मैया के सम्मान अभी तक नहीं मिला वो दर्जा, उससे भी नाराजगी है। कौन किसको वोट देंगे वोट 2024 में? ऐसे तो प्रधानमंत्री के ही जाएंगे, नरेंद्र मोदी को, और हो सके तो नया चेहरा को, सम्राट चौधरी जो आए हैं अभी, उनको नया चेहरा को यहाँ उतारना चाहिए, इससे फायदा होगा, नहीं तो बीजेपी का यहाँ सीट खो जाएगा। बीजेपी का नाराजगी है स्थानीय सांसद से। एक और व्यक्ति है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? नत्थू शर्मा। क्या करते हैं? किराया दुकान हमारे स्थान। कौन है सीतामढ़ी के सांसद इस वक्त? सुनील कुमार पिंटू। क्या क्या किया है उन्होंने विकास का कार्य? कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए हैं? वोट तो आप ही दे के लाए होंगे ना, आप सबका वोट। वोट तो आप ही दिए, हम भी दिए, सबने दिया है, ऐसे कैसे जीत जाएगा आदमी नहीं वोट दी हुई। 2024 में किसको चुनेंगे, या फिर महागठबंधन को? मोदी जी को। मोदी जी को क्या क्या उम्मीद है, कौन होगा सांसद यहाँ का? यहाँ का सांसद अभी किसी का टिकट जिसको मिलेगा वही ना सांसद होगा। और भी लोग हैं मेरे साथ, कौन है यहाँ के सांसद, क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र पटेल हुआ। यहाँ के सांसद पिंटू बाबू हैं। क्या क्या सब विकास का काम किए? विकास तो पूरे बिहार में हो रहा है, साथ साथ सीतामढ़ी में भी हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। 2024 में किसको वोट देंगे, महागठबंधन को देंगे या फिर भाजपा? बिहार का लाल अगर प्रधानमंत्री के दौर में आएंगे तो हम लोग महागठबंधन को ही वोट देंगे, और नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, महागठबंधन को वोट देंगे। श्योर नीतीश जी को प्रधानमंत्री भी बनाना चाहते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं, कुछ महिलाएं हैं, हालांकि कौन है यहाँ के सांसद बोलेंगे? महिलाएं तो थोड़ा हिचकिचाती हैं कैमरे के सामने आने से। आइए कुछ और ये हैं फूल वाले, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्री भगवान है। कौन है यहाँ का सांसद? कौन है सीतामढ़ी के सांसद, कौन है? उनको जानकारी नहीं है मेरे पास। किसको 2024 में किसको वोट करेंगे? पिंटू बाबू। किसको वोट करेंगे 2024 में? आप किनको समय है हमारे खाने का? भाजपा को देंगे या फिर महागठबंधन को देंगे? अभी तो नहीं कर सकते हैं, जो जैसा रहेगा वैसा ही होगा, तो अभी आदमी को सहयोग तो यही सब होगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, क्या है, क्या हुआ, क्या है आपका नाम? मेरा नाम कुंदन कुमार पांडे हुआ। कौन है सीतामढ़ी के सांसद, कौन है? अभी सुनील कुमार पिंटू हुआ। क्या क्या विकास का कार्य किए हैं? अभी तो विकास कुछ फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा। तो 2024 में किसको चुनेंगे, महागठबंधन को या फिर भाजपा को? हम तो सर भाजपा का सपोर्टर हैं। केंद्र में किसको देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को। ज्यादातर लोग नरेंद्र मोदी को केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हालांकि अभी 2024 में एक वर्ष बाकी है। आइए एक और व्यक्ति है मेरे साथ, वैसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार सर। क्या करते हैं? बैंकर है हम। बैंकर? यस सर। सीतामढ़ी के सांसद कौन है? सुनील कुमार पिंटू जी है। क्या क्या विकास का काम किए हैं? विकास तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया अपने संसदीय क्षेत्र में, कम से कम रास्ता ही बन पाते हैं। गाँव का देखिए सर, अपने भवदेपुर का देख लीजिए, वहाँ का रास्ता जर्जर है, ओवरब्रिज जर्जर है जो बन नहीं पा रहा है, इतना दिन से काम चल रहा है, काम इतना धीमी गति चल रहा है कि काम हो नहीं पा रहा है, इतना बहुत परेशानी हो रहा है लोगों को। 2024 में किसको चुनेंगे, कौन होगा? मोदी जी को जाएगा, लेकिन चेहरा दूसरा रहेगा इस बार का, सीतामढ़ी लोकसभा सीट से। हाँ, सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चेहरा दूसरा रहेगा। जर्जर है जो बन नहीं पा रहा है, इतना दिन से काम चल रहा है, काम इतना धीमी गति चल रहा है कि काम हो नहीं पा रहा है, इतना बहुत परेशानी हो रहा है लोगों को। 2024 में किसको चुनेंगे, कौन होगा? मोदी जी को जाएगा, लेकिन चेहरा दूसरा रहेगा इस बार का, सीतामढ़ी लोकसभा सीट से। हाँ, सीतामढ़ी लोकसभा सीट से चेहरा दूसरा रहेगा, पिंटू जी का नहीं होगा। कई लोग नाराज भी हैं स्थानीय सांसद से विकास के नाम पर, हालांकि कुछ लोगों की नाराजगी सीतामढ़ी माता सीता की प्रकाट स्थली है, हालांकि वो दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया सीतामढ़ी को, इससे भी नाराजगी है लोगों को। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी एक वर्ष का समय बाकी है, और आने वाला समय ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो अभी भविष्य के गढ़ में है। केशव आनंद, बिहार तक, सीतामढ़ी।